इस यज्ञशाला में गौ माता को लाकर बांधा जाता था और गौ माता को चारा खिलाया जाता था। गौ माता चारा खाकर खाने के बाद में जो गोबर करती थी उस गोबर से उस यज्ञशाला को लीपा जाता था। आज के जमाने में कोई ब्राह्मण नहीं कहते कि यज्ञशाला में लाकर गाय को बांधो, उनका तो कहना है गोबर लिया चाहे वो तुम गाय का लाओ चाहे भैंस का लाओ और लाओ न पोत पोता के न चीत करो, और हमको तो केवल यज्ञ करना है। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारे वेद और पुराण और शास्त्र कहते हैं कि भूदेव को चाहिए, ब्राह्मण जन को चाहिए कि जब यज्ञ करवाए तो गौ माता की श्रेष्ठता सिद्ध करना है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि जब किसी घर में वास्तु पूजन करने के लिए जाओ, कितना भी वीआईपी मकान बना हो, पर वास्तु शास्त्र भी कहता है, हमारा वास्तु शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब किसी के मकान का मुहूर्त करो, किसी दुकान का मुहूर्त करो, किसी घर का मुहूर्त करो, किसी यज्ञ का मुहूर्त करो, तो सबसे पहले गौ माता का प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। जब वो प्रवेश करती है सब देव उसमें प्रवेश कर जाते हैं।